गिरफ्तारी से पहले गुरुद्वारे में क्या कर रहा था अमृतपाल, सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो। पिछले एक महीने से भी ज्यादा वक्त से फरार चल रहे खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह को मोगा जिले के एक गुरुद्वारे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल रोडेवाल गांव के इस गुरुद्वारे में कैसे पहुंचा और गिरफ्तारी से पहले वो गुरुद्वारे के अंदर आखिरकार क्या कर रहा था। तो इसका भी अब खुलासा हो गया है और पता भी चल गया है कि आखिर अमृतपाल गिरफ्तारी से पहले गुरुद्वारे में कर क्या रहा था। दरअसल अमृतपाल का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अमृतपाल गुरुद्वारे में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि उसके सामने एक माइक भी लगा हुआ है जिसमें वो कुछ बोलता भी नजर आ रहा है। हालांकि गुरुद्वारे में दिए गए अपने संबोधन में अमृतपाल ने क्या कहा, इस बात का अभी तक खुलासा तो नहीं हो सका है। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि इस गुरुद्वारे में अमृतपाल रात में ही पहुंच गया था। इसके बाद उसने गुरुद्वारे में अपना संबोधन भी किया, जिसका वीडियो अब सामने आ गया है। बताया जाता है कि अमृतपाल पहले भी धर्म के नाम पर इस तरह के ढोंग कर चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस गांव से अमृतपाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये खालिस्तानी अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरा वाले का पैतृक गांव है। दरअसल अमृतपाल सिंह खालिस्तानी अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरा वाले का अनुयायी होने का दावा भी करता है और अपने समर्थकों के बीच भिंडरा वाले 2.0 के रूप में जाना भी जाता है। आपको बता दें, अमृतपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इंदिरा गांधी जैसा हर्ष करने की धमकी तक दी थी, और तो और वो खुद को भारतीय मानने से भी इनकार करता था। अमृतपाल का कहना था, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है तो वो खालिस्तान की मांग कर सकता है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी से पहले उसका खास साथी पवलप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसके तमाम और साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी बीच पुलिस को जैसे ही अमृतपाल की पत्नी किरणदीप के बारे में पता चला था कि वो ब्रिटेन जा रही है, तो उसे अमृतसर एयरपोर्ट पर रोककर पुलिस ने गांव वापस भेज दिया था। जानकारी के मुताबिक अमृतपाल 18 मार्च से ही फरार चल रहा था और उसके गिरफ्तार होने पर पुलिस ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने और अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद किसी भी फर्जी खबर को साझा करने से बचने की भी अपील की है। वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो अमृतपाल सिंह आत्मघाती हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं को उकसाने के लिए एक राज्यव्यापी जुलूस निकालने की योजना भी बना रहा था। और तो और अमृतपाल कट्टरपंथी उपदेशक पाकिस्तान से अवैध रूप से मंगाए गए हथियारों को जमा करने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों का इस्तेमाल भी करता था, जिसका खुलासा पुलिस की जांच में भी हो गया है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।